हेलो दोस्तों, आज का मैच बरमूडा और पपुआ न्यू गिनिया के बीच में है और ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है दुबई में। तो चलिए देखते हैं ये मैच कौन जीतेगा। बात करें अगर हम इस मैच की तो यहाँ पर काफ़ी लोग इन दोनों टीम का मैच देखने आए हैं क्योंकि ये दोनों टीम पॉपुलर टीम में काउंट की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बरमूडा और पपुआ न्यू गिनिया की। तो चलिए मैच शुरू होने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इन दोनों टीम की जो टीम 11 है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार हम अपने कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट करा है ग्रीन चिलीज एंटरटेनमेंट ने, इन्होंने कहा है आई थिंक बरमूडा विल विन। भाई मुझे भी लगता है कि बरमूडा ये मैच जीतेगा। अगले आते हैं कमेंट पे, तो वाइट विंग्स ने कमेंट करा है हु सो एवर विन जस्ट इन्जॉय। बिल्कुल सही कहा है इस भाई ने कि कोई भी जीते हमें सिर्फ इन्जॉय करना है क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच है। तो आते हैं अगले कमेंट पे, तो यहाँ पे श्रवण कुमार ने कमेंट किया है गिनिया। तो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया के फ़ैन आ चुके हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अगले कमेंट पे, अगला कमेंट है सैमसुल हसन का, वो कह रहे हैं कौन से चैनल पर है। भाई मैं समझा नहीं, मतलब कौन से चैनल पर? अगर आप ये पूछ रहे हो कि लाइव वीडियो कौन से चैनल पर आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे YouTube पे आपको कहीं पर भी लाइव वीडियो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये मैच दुबई में खेला जा रहा है और ये मैच नंबर 5 है और हम देख रहे हैं इस समय ICC मेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019। तो आज का मुकाबले में टॉस जीता था PNG ने और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया था। तो देखते हैं क्या PNG का ये फैसला अपनी टीम के लिए बेहतर होगा या फिर उन्हें इस टॉस को फील्डिंग के लिए सेलेक्ट करने पे उनको कोई दिक्कत होगी। चलिए वो तो हमें पता चल जाएगा एक बार बस मैच शुरू हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं ये मैच कौन जीतेगा। तो बरमूडा को 42% लोगों ने वोट दिया है कि ये मैच बरमूडा जीतेगा, और बात करें हम पपुआ न्यू गिनिया की तो 58% लोग कहते हैं कि ये मैच PNG जीतेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इन दोनों टीम के स्क्वाड पे। तो यहाँ पर बरमूडा के कैप्टन हैं डियोन स्टोवेल, जो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं। तो देखते हैं क्या ये अपनी टीम के लिए आज कुछ करने में कामयाब हो पाएंगे या उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर पपुआ न्यू गिनिया की, तो उनके कैप्टन हैं आसद वाला, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है। एक बार हम इन दोनों प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोनों कैप्टन में से अगर हम देखे जाएं तो बेस्ट कैप्टनसी अब तक बरमूडा के कैप्टन ने करी है, जिनका नाम है डियोन स्टोवेल। तो चलिए काफ़ी लोग जुड़ सक चुके हैं हमारे साथ स्ट्रीम पर, तो चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अंगद लवली सॉन्ग ने कमेंट करा है इन्जॉय इट, भाई इन्जॉय करो आप। दीप शिरार ने कमेंट करा है भाई आप फैंटेसी में इन्वेस्ट करते हो क्या? भाई मैं फैंटेसी में बिल्कुल इन्वेस्ट करता हूँ और मैं ज़्यादातर आप मुझे देखोगे कि मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ड्रीम 11 में काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ड्रीम 11 से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप और हम जैसे जो एवरेज लोग हैं उन लोगों को मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि बाकी के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 के एम्प्लॉयज़ के साथ मिले रहते हैं, तो हमारे चांसेस बहुत कम होते हैं ज़्यादा अमाउंट जीतने के। तो चलिए एक बार वापस आ जाते हैं आज के मुकाबले पर। तो आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ, आज का मैच बरमूडा और PNG के बीच में है, ये मैच नंबर 5 है जो खेला जा रहा है दुबई में और ये सीरीज़ है ICC मेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की। इस सीरीज़ में टोटल 51 मैचेस खेले जाएंगे, तो देखते हैं इस सीरीज़ के एंड तक कौन सी टीम अपना इम्प्रेशन बना पाती है। तो चलिए PNG ने टॉस जीता था और किया था बॉलिंग का फैसला, तो देखते हैं कि PNG क्या करती है आज।
तो यहाँ पर अगर बात करें बरमूडा की, तो यहाँ पे बरमूडा की ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं ओ बस्कॉम और डी स्टोवेल। तो देखते हैं क्या ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और बात करें दूसरी तरफ हम पीएनजी की, तो वहाँ से बॉलिंग करने दिलाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर उन्हें कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे यहाँ पर बरमूडा की विकेट गिरा सकें। तो चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इस मैच के बारे में। तो ये मैच खेला जा रहा है आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में, और ये जो ग्राउंड है ये दुबई में है। तो आप लोग जितने भी लोग इस समय दुबई में हैं वो जाकर ये मैच देख सकते हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं करंट बैट्समैन की। तो इस समय करंट बैट्समैन खेल रहे हैं वो हैं ओ बस्कॉम और दूसरे हैं डी स्टोवेल। देखते हैं क्या यहाँ पर कैप्टन ओपनिंग काफ़ी बढ़िया दे पाएंगे अपनी टीम को या उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। तो चलिए माफ़ी चाहेंगे, माइक का कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग आज के अपने मैच पे। तो यहाँ पर मैच बस कुछ ही देर में होने वाला है शुरू, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपको हमारे चैनल पर लाइन बाय लाइन कमेंट्री मिलती रहेगी, और आप जितने भी इस सीरीज़ के मैचेस हैं, जो एक मैच है 3:30 बजे चालू होगा, आप वो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम वापस से कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिवेश कुमार ने कमेंट करा है, भाई प्लीज़ बताओ कौन जीतेगा। भाई मुझे लग रहा है ये मैच जीतेगा आप लोगों का पीएनजी, क्योंकि 58% लोगों ने वोट करा है कि पपुआ न्यू गिनी के जीतने के चांसेस हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गूगल के सर्वर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला कमेंट हमें आया है हिस दीप का, जो कह रहे हैं आप कहाँ से हो। भाई मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो अगले कमेंट पे आ जाते हैं हम वापस दिवेश भाई। दिवेश ने कमेंट कर रहे हैं, भाई बताओ कौन जीतेगा। ब्रो मैं बता देता हूँ आपको, ये मैच पीएनजी जीतेगा, लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ 99% कह सकता हूँ कि पीएनजी के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आ जाते हैं आगे। यहाँ पर कमेंट करा है हमें बरमूडा विल विन द मैच। भाई देखते हैं कौन जीतता है, बरमूडा जीतेगा या फिर पपुआ न्यू गिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ बताओ कौन जीतेगा। ब्रो मैं आपको बता चुका हूँ ये मैच पपुआ न्यू गिनी जीतेगा, और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पपुआ न्यू गिनी की। हम बात करें इस सीरीज़ की बात करें या फिर इस T20 में, जो अभी हमने देखा था हाल फिलहाल 2 महीने पहले जो T20 हुआ था, उसमें भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी करी थी बरमूडा के प्लेयर्स ने। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बरमूडा वही चीज़ आज दोहरा पाएगी या उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो चलिए वापस से आ जाते हैं अपने करंट मैच पे। तो हो चुका है एक ओवर का मैच समाप्त, बरमूडा ने बना लिया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बात करें हम करंट बैट्समैन की, तो इस समय स्ट्राइक पर हैं डियोन स्टेवल, जिन्होंने 0 गेंद खेली है, 0 रन बना के। और बात करें अगर हम नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं ओ बस्कॉम, जिन्होंने 5 गेंद खेली है और बनाए हैं 6 रन, और इन्होंने 1 सिक्स लगा दिया है टीम के लिए। और बात करें दूसरी तरफ हम बॉलर्स की, तो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं नोसेना पोकाना, जिन्होंने 1 ओवर में दिए हैं मात्र 6 रन और 1 विकेट उन्होंने निकाल ली है। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है नोसाना ने, अभी अभी मैच शुरू हुआ है और उन्होंने 1 विकेट ले ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएनजी की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर शर्मिंदा होंगे ओ बस्कॉम कि वो सिर्फ 6 रन बनाकर उन्हें जाना पड़ा। आ चुके हैं नए बल्लेबाज जेनेरियो टकर, देखते हैं क्या जेनेरियो टिकर क्या करते हैं अपने टीम के लिए। तो चलिए एक बार वापस से आ जाते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन पे, और देखते हैं लोगों का क्या कहना है कि कौन ये मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं और किसके मैच हारने के चांस। तो यहाँ पर एक बार हम वापस आ चुके हैं अपने कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर MG स्पेशल ने कमेंट करा है PNG जीतेगा, भाई कंफर्म लगा दे बैट। भाई PNG जीतेगा मुझे भी ये लग रहा है, लेकिन मैंने बैट नहीं लगाता, लेकिन ड्रीम इलेवन में फैंटेसी गेम में मैंने लगा रखे हैं, देखता हूँ अब क्या होता है इस मैच के बाद।
तो चलिए अगले कमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे दीवान ने कमेंट करा है आउट। हाँ भाई आउट हो चुके हैं वो बस्कॉम, और काफ़ी शर्मिंदा होंगे अपने आप से कि अभी मैच शुरू हुआ है और इतनी जल्दी विकेट गिर चुकी है। बात करें समीर कुरैशी की, दोनों ने कमेंट करा है सिक्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने अगले कमेंट पे। तो बिलाल ने कमेंट करा है भाई कौन विन करेगा प्लीज़ बताएं। भाई पपुआ न्यू जीनिया को आप सेलेक्ट कर लो, मुझे जितना लग रहा है कि पपुआ न्यू जीनिया ही ये मैच जीतने वाला है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने करंट मैच पे। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा पिछले ओवर में एक विकेट गिर चुकी है बरमुडा की, और यहाँ पर आ चुकी है एक और दिक्कत बरमुडा के लिए। ये दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरी विकेट भी गवा दी है बरमुडा ने। काफ़ी दिक्कत में नज़र आती हुई इस समय हमें बरमुडा, और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करी है जैसन किला ने, जिन्होंने अब तक अपने ओवर की 5 गेंद डाली है, मात्र 4 रन दिए हैं और एक विकेट निकाल ली है। यहाँ हम बात करें बरमुडा की तो काफ़ी दिक्कत में नज़र आ रही है बरमुडा। बरमुडा के ओपनर बेस्कॉम आउट हो गए हैं 6 रन बनाकर, और कैप्टन स्टोवल भी आउट हो चुके हैं मात्र 4 रन बनाकर। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी के बचे हुए बल्लेबाज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बात करें हम करंट रन रेट की, तो इस समय जो रन रेट चल रहा है बरमुडा का वो है 6 का रन रेट इस समय करंटली चल रहा है। तो चलिए एक बार हम वापिस आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि कौन जीत सकता है। ब्रो मैं कह रहा हूँ आपको ये मैच पीएनजी जीतेगा, और आप देख सकते हैं कि पीएनजी के पास कितनी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है। अभी मैच को सिर्फ हुए 2 ओवर हुए हैं और 2 विकेट निकाल ली है पीएनजी ने। और यहाँ पर हम बात करें अगले कमेंट की, तो यहाँ पर मनीष कुमार ने कमेंट करा है 10-3। भाई नहीं 10-3 नहीं हुई है, 11 रन बन चुके हैं, पर देखते हैं कि यह पीएनजी विकेट निकालने में और कामयाब हो पाएगी या फिर उन्हें अभी इसी काम से चलाना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं हुई है इस समय बरमुडा के खिलाड़ियों से। अब देखते हैं आने वाले बल्लेबाज क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो यहाँ अगला कमेंट करा है हमें तजवीर ने, मिडिल ऑर्डर को अच्छी बैटिंग करनी होगी तभी जीत सकता है बरमुडा। हाँ भाई मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओपनर बैट्समैन थे जिस पे लोग भरोसा कर रहे थे कि इस मैच में कुछ करेंगे, वो अब आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं बाकी के प्लेयर क्या करते हैं। तो यहाँ पर अगला कमेंट आया है आदित्य सिंह का, जो पूछ रहे हैं आउट कौन हुआ है। भाई ब्रो आउट हो चुके हैं अब तक ओ बेस्कॉम, जिन्होंने 6 रन बनाए थे, और दूसरे जो आउट हुए हैं वो हैं जे टकर, जिन्होंने 5 गेंदों में 4 रन बनाए थे। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर आ गए हैं नए बल्लेबाज आर रॉलिंस। देखते हैं क्या आर रॉलिंस अपने डी रॉलिंस आए हैं, देखते हैं क्या वो अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हो पाएंगे या उन्हें भी खाली हाथ जाना पड़ेगा मैदान से। तो चलिए जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं और कौन सी टीम ये मैच जीतेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से अपने एक बार कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सपोर्ट में हैं इस समय पीएनजी के। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट 75% लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीएनजी जीतेगा। चलो देख लेते हैं ये मैच ऐसे कौन जीतता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने करंट मैच पर। तो यहाँ मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि ये मैच बरमुडा और पीएनजी के बीच में खेला जा रहा है। और बात करें करंट स्कोर की, तो 2 ओवर का मुकाबला हो चुका है समाप्त। यहाँ पर बरमुडा ने बनाए हैं 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और जो करंट रन रेट इस समय चल रहा है वो है 5.5 का। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो इस समय जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज हैं वो हैं डियोन स्टोवल, जो कैप्टन है खुद, उन्होंने अब तक 1 गेंद खेली है और मात्र 1 रन बनाया है। और बात करें नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो है डेलरे रॉलिन, जिन्होंने 1 गेंद खेली है और अब तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। बात करें अगर हम गेंदबाजों की, तो इस समय गेंदबाजी अब तक 2 बॉलर्स ने करी है, जिनका नाम है जैसन किला, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है। 1 ओवर में उन्होंने मात्र 4 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाल ली है। और दूसरे गेंदबाज नौशेन पुकाना ने भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन गेंदबाजी करी है, 1 ओवर में उन्होंने मात्र 6 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाल ली है। तो हम बात करें अगर इस मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, तो काफ़ी दबाव में आ चुकी है बरमुडा, क्योंकि 2 ओवर में 2 विकेट गिर चुकी है, वो भी ओपनर बैट्समैन की, जो काफ़ी
लोग जिन पर भरोसा करते हैं। अब देखते हैं क्या बरमूडा कैसे इस मैच की दिशा बदलती है। चलिए एक बार वापस से आ जाते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करा है कि यू आर वेरी स्लो, इट्स ऑलरेडी 3 विकेट्स। भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप टीवी पे देखते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा मैच आगे चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा मैच पीछे चलता है, क्योंकि 1 मिनट का डिफरेंस होता है टीवी से यहाँ तक, क्योंकि अपडेट होते हैं धीरे धीरे, तो 1 मिनट का डिफरेंस चलता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर 3 विकेट हो चुके हैं तो अभी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला कमेंट करा है मनीष कुमार ने, जिन्होंने कहा है यू आर ऑसम, भाई का चैनल लाइक करो प्लीज़, थैंक्स ब्रो, आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और आप लोगों के लिए सिर्फ मैं 3-3 घंटे की नॉन स्टॉप कमेंट्री करता हूँ। तो चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। फिरोज ने कमेंट करा है रॉलिंस बिग स्कोर मारेगा। भाई रॉलिंस बिग स्कोर मारेगा ये तो देखते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में इस समय बरमूडा आ चुकी है वह बहुत ही बेकार हो चुकी है बरमूडा की सिचुएशन। यहाँ पे 3 विकेट गिर चुकी है बरमूडा की, 11 रन पे मात्र 3 विकेट गंवा दी है। और बात करें गेंदबाजों की तो यहाँ पर जैसन किला ने 1 ओवर में मात्र 4 रन दिए थे 1 विकेट निकालते हुए, और जो इस समय करंट बॉलर हैं वो है नॉर्मन वेनुआ, जिन्होंने 4 गेंद में 0 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाल ली है। यहाँ पर बरमूडा काफ़ी दिक्कत में नज़र आ रही है, क्योंकि 2.4 ओवर का मैच हुआ है अब तक और 11 रन बने हैं, और सबसे दिक्कत की बात कि 3 विकेट गिर चुकी है, वो भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ियों की। अब यहाँ पर देखते हैं क्या मिडल ऑर्डर जो है बरमूडा का, क्या वो इस मैच को 150 तक ले जा पाता है या फिर नहीं। अगर ये मैच बरमूडा को जीतना है तो कम से कम टारगेट उन्हें 150 का स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि PNG के जो बल्लेबाज हैं काफ़ी बढ़िया हैं, और उनको अगर उनसे अगर आपको जीतना है तो 150 का टारगेट आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम वापस से कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर लोगों ने कमेंट करा है, यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनूप कुमार ने कमेंट करा है 3री विकेट कौन ले गया। भाई 3री विकेट नॉर्मन ने ली है, उन्होंने अब तक सिर्फ 5 गेंद कराई है। और सॉरी यहाँ पर एक और ज़बरदस्त अपडेट मिलता हुआ, यहाँ पर 1 और विकेट गिर चुकी है बरमूडा का। काफ़ी भयंकर मैच हो रहा है इस समय यहाँ पर दोस्तों, 3 ओवर का मैच हुआ है अब तक और 4 विकेट गिर चुकी है बरमूडा की। काफ़ी दिक्कत में नज़र आती हुई बरमूडा। हाँ तो दोस्तों हम जैसा आपको बता रहे थे कि 3 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त, और यहाँ पर बरमूडा ने बनाई है 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी दिक्कत में आ चुकी है इस समय बरमूडा, और जो प्रेशर इस समय बरमूडा फेस कर रही है शायद ही अभी तक किसी टीम ने वो फेस करा है। तो चलिए देखते हैं कि बरमूडा अब क्या कर पाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब इस समय बरमूडा के जीतने के चांसेस बहुत कम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस है। और यहाँ पर आ चुकी है एक और बहुत बड़ी दिक्कत, यहाँ पर 1 और विकेट गिरा दी है बरमूडा ने। और इस समय हम बात करें ओवरऑल मैच के बारे में, तो ये मैच बरमूडा और PNG के बीच में है, 3 ओवर का मैच हो चुका है टोटली ख़त्म, और यहाँ पर बरमूडा ने बनाए हैं 11 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम बात करें करंट रन रेट की, तो इस समय जो रन रेट है वो है 3.66 का। और यहाँ बात करें जो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, उनके नाम हैं ओ बेस्कॉम, डी स्टोवेल, जे टकर, के लेवेरॉक, डी डेरेल, ये 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और बात करें गेंदबाजों की, तो सबसे बढ़िया गेंदबाजी करी है नॉर्मन वेनुआ ने, जिन्होंने 1 ओवर डाला है, 1 भी रन नहीं दिया है और 3 विकेट निकाल ली है। यहाँ पे पपुआ न्यूगिनिया बहुत खुश होगी और सोच रही होगी कि ये मैच जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और अपना करंट रन रेट बढ़ाया जाए। तो देखते हैं क्या बरमूडा क्या कर पाती है ये मैच बदलने में। अब तो सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी है बरमूडा की, और जीतने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं ब्रो, रियली बहुत कम। अब देखते हैं, अब ज़्यादा बल्लेबाज भी नहीं बाकी है अब बरमूडा के पास,
इस समय हम बात करें आने वाले बल्लेबाजों की, तो वो हैं मलाची, जॉन्स और एलन। अब देखते हैं क्या ये दो बल्लेबाज इस मैच को पलट सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर उम्मीद कर रही होगी बरमूडा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए खिलाड़ी कम से कम 100 रन का टारगेट स्कोर कर दें। तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या होता है आने वाले ओवर्स में। और यहाँ गेंदबाजों की तो हम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है गेंदबाजों ने। अब तक 3 गेंदबाज उतरे थे इस मैदान पे, जिनका नाम था एन पोकाना, जिन्होंने 1 ओवर में 6 रन दिए थे 1 विकेट निकालते हुए, और दूसरे गेंदबाज थे जेक किला, जिन्होंने 1 ओवर में दिए थे 4 रन और 1 विकेट निकाली थी, और तीसरी और सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं एन वेनुआम, जिन्होंने 1 ओवर में दिए हैं 0 रन और 3 विकेट निकाली है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इस समय एन वेनुआ की, और वो अपने आप से काफ़ी खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ बरमूडा की क्या प्लानिंग चल रही होगी, क्या बरमूडा ये मैच जीतने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, तो जो भी जना हमें फॉलो करना चाहता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, और आपको वहाँ पर भी लाइव टू लाइव अपडेट मिलते रहेंगे। और आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कमेंट सेक्शन की। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करा है वसीम ने कि कौन नेक्स्ट बैट्समैन है। भाई नेक्स्ट बैट्समैन जो है वो है मलाची जॉन्स। अब देखते हैं क्या मलाची इस मैच को बदल सकते हैं या उन्हें भी अब बाकी प्लेयर की तरह इस मैदान से जाना पड़ेगा। मनीष कुमार ने कमेंट करा है CBISC स्लो। ब्रो मैं समझा नहीं आपका कमेंट। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने अगले कमेंट पे। तो यहाँ पे विनिंग गुरुजी ने कमेंट करा है आपका वाइफ सॉरी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अगले कमेंट पे। राम सिंह ने कमेंट करा है लाइव मैच कैसे देखें। अगर आपको लाइव मैच देखना है तो आप सिर्फ हॉटस्टार पे देख सकते हैं लाइव मैच, लेकिन दिक्कत की बात है कि मैच देखने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, और जो सब्सक्रिप्शन है वो VIP वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच है। तो आपको ये मैच ना TV पे देखने को मिलेगा, ना कहीं पे भी YouTube पे लाइव मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं लखन गुप्ता के। तो उन्होंने कमेंट करा है भाई मेरे कितने रन बनेंगे 20 ओवर में। भाई 20 ओवर में कितने रन बनेंगे ये तो बताना काफ़ी दिक्कत है। इस समय दोनों खिलाड़ी काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूरे 20 ओवर खेले जाए और 100 रन का टारगेट खड़ा कर दिया जाए। तो यहाँ पर कुका 3007 ने कमेंट करा है मलाची कैसा बैट्समैन है। भाई मलाची एक ऑलराउंडर है, तो मलाची अगर हम बात करें तो लंबा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। और पर अगर हम बात करें इस समय रॉलिंस की, तो रॉलिंस है जो इस मैच को बदल सकते हैं, क्योंकि वो एक हम बात करें कंसिस्टेंट बैट्समैन है। यहाँ पे मनीष कुमार ने कमेंट करा है क्रिक बज इज़ रियली स्लो। हाँ भाई क्रिक बज थोड़ा स्लो है, 1 मिनट का डिफरेंस चलता है रियल मैच और यहाँ पे जितने भी हम देख सकते हैं ऑनलाइन लाइव स्कोर के बीच में। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने मैच पे। तो आज का मैच था बरमूडा और PNG के बीच में। 4 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त। यहाँ पे बनाए हैं बरमूडा ने 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बात करें इस समय करंट बल्लेबाजों की, तो वो हैं रॉलिंस, जिन्होंने 4 गेंद में बनाए हैं 2 रन, और दूसरे बल्लेबाज हैं मलाची जॉन्स, जिन्होंने 3 गेंद में बनाए हैं 1 रन। अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो यहाँ पर नॉर्मन वेनुआ ने अपना पिछला ओवर में 3 विकेट ली थी 0 रन देकर, और जो अब नए गेंदबाज आए हैं वो हैं सेसी बाऊ, जिन्होंने 1 ओवर में दिए हैं मात्र 3 रन। यहाँ पे पपुआ न्यू जीनिया काफ़ी खुश होगी अपने गेंदबाजों से, जिस तरीके की गेंदबाजी दिखाई है आज के बॉलर्स ने, वो काफ़ी प्राउड है, काफ़ी बढ़िया करी है बॉलिंग आज के गेंदबाजों ने। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग बरमूडा आगे क्या करती है, क्या बरमूडा पूरे ओवर खेलने में कामयाब हो पाएगी, या उन्हें जल्द ये मैच बंद करना होगा, या फिर ऑल आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं अब बरमूडा के, क्योंकि जो बल्लेबाज थे जो हम देखते हैं ज़्यादातर खेलते हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर नज़र डालते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमें कमेंट करे हैं, काफ़ी लोग ने कमेंट करे हैं, और कुछ कमेंट स्किप हो चुके हैं तो मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जो कमेंट्स मैं देख रहा हूं वो मैं ज़रूर पढ़ रहा हूं। तो यहां पर
कमेंट करा है नीसर ने, वाई एंट यू रीडिंग माई कमेंट ब्रो, काफ़ी स्पीड से कमेंट जा रहे हैं तो मैं कुछ कमेंट पकड़ पा रहा हूँ, कुछ कमेंट स्किप हो जा रहे हैं, तो आप बुरा मत मानिए, आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर अगला कमेंट हमें करा है टी एस जी फैन क्लब ने, पहले लोग बुकी से परेशान थे, अब तुम लोग जैसे सड़क छाप कमेंटेटर से परेशान है। तो भाई किसने कहा कमेंट सुनने के लिए, आप अपने मोबाइल की ऑडियो कम कर सकते हैं, और आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से जा सकते हैं, गेट ओपन है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि हमारे चैनल पे देखिए, बस हमारा काम है आप लोगों को कमेंट्री प्रोवाइड करना, तो आप इंजॉय करिए ना करें वो आप पे टोटली डिपेंड है। तो यहाँ पर हम अगला कमेंट कर देखते हैं राजेश का, वीडियो तो शो करो भाई, मैं वीडियो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब हमें अलाउड नहीं करता है वीडियो दिखाना, अगर हम ऐसा करते हैं तो यूट्यूब हमारी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा, जिसके कारण ना आप वो मैच देख पाओगे और हमें उल्टा बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला कमेंट आया है रोहन रावत का, भाई कौन है अब नेक्स्ट बैट्समैन, भाई नेक्स्ट बैट्समैन जो आया है पांचवी विकेट गिरने के बाद वो था मलाची जॉन्स, और अभी काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है और इस मैच का रूप कौन बदल पाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत ने कमेंट करा है गुड कमेंट्री ब्रो, थैंक्स भाई। यहाँ पे अगला कमेंट है शहजाद रजवी का, अरे ये मैच चल रहा है या मजाक हो रहा है, भाई मुझे भी लग रहा है एक तरीके से मजाक हो रहा है, यहाँ पर पांच विकेट गिर चुकी है इतनी जल्दी, लेकिन देखते हैं ये मैच, मुझे लग रहा है ये इस सीरीज़ का ये पहला ऐसा मैच होगा जो सबसे कम का टारगेट खड़ा कर पाएगा, लेकिन अभी भी बाकी हैं मैचेस हैं, टोटल 51 मैचेस हैं इस सीरीज़ में, देखते हैं ऐसा मैच हमें दोबारा देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे अनबीटन राजेश ने कमेंट करा है ओके थैंक यू भाई फॉर रिप्लाई माय कमेंट, भाई थैंक्स ब्रो, मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ पढ़ता हूँ, लेकिन दिक्कत ये होती है कमेंट इतनी स्पीड में जाते हैं कि मैं सारे कमेंट्स को कैच नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे अगला कमेंट है माय लाइफ का, भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक्स ब्रो। लक्ष्मीकांत ने कमेंट करा है गुड कमेंट्री ब्रो, भाई थैंक्स। यहाँ पे पुष्पिंदर का कमेंट आया है कौन जीतेगा मैच, भाई ये मैच पीएनजी जीतेगा और 100% श्योर हूँ मैं। यहाँ अमन राज कह रहे हैं गली क्रिकेट चल रहा है, भाई गली क्रिकेट नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरीके का इस समय माहौल बना दिया है बरमूडा ने, तो हमें लग रहा है कि ये भाई ये गली क्रिकेट ही एक तरीके से चल रहा है। यहाँ पर चेतन मिश्रा ने कमेंट करा है नाइस इन्फॉर्मेशन ब्रो, थैंक्स ब्रो, आप लोगों के लिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ पर कोई कमेंट कर रहा है नीदरलैंड, भाई मुझे समझ नहीं आया आपने कमेंट में नीदरलैंड क्यों करा, उनका मैच तो इस समय शायद चल नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ पर अगले कमेंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बकवास मैच, भाई मैच तो है बढ़िया, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिर चुकी है तो वो बकवास सा माहौल बन चुका है एक तरीके से। तो यहाँ पे टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है भाई मेरा कमेंट तो पढ़ लो, भाई आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर एक बार हम वापस आ जाते हैं आज के करंट मैच पे, तो आपको बता देता हूँ एक बार और कि ये मैच बरमूडा और पीएनजी के बीच में है। यहाँ पर बरमूडा ने बना लिए हैं 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त। बात करें करंट रन रेट की, तो इस समय जो करंट रन रेट है वो है 6 का, और यहाँ पे बात करें हम बल्लेबाजों की, तो रॉलिंस बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, 12 गेंद में 20 रन बनाए हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें मलाची जॉन्स की, तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी है। और बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर में नोमन वैनुआ ने पहला ओवर काफ़ी बढ़िया डाला था, 0 रन दिए थे, लेकिन उनका जो दूसरा ओवर है वो काफ़ी बेकार चले गया, सिर्फ उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन दे दिए, तो काफ़ी शर्मिंदा होंगे इस बार नोमन अपने आप से, लेकिन कुछ नहीं होता, अभी भी कोई स्कोर ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाया है कि ये मैच हारने के चांसेस हो पाएंगे। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम अपने कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पे कमेंट्स में प्रियांशु शर्मा ने कमेंट करा है भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो, भाई वैनुआ ने तो हैट्रिक ले ली और साथ ही बरमूडा की ले भी ली, हाँ भाई काफ़ी बढ़िया करी है इस बार गेंदबाजी नोमान वैनुआ ने, लेकिन उनका दूसरा ओवर थोड़ा सा बेकार चले गया, उन्होंने 13 रन दे दिया अपने दूसरे ओवर में। चलो कुछ नहीं होता, ट्राई करेंगे नोमान की तीसरा ओवर अपना बेहतरीन और अच्छे तरीके से निकालें। यहाँ पे अनबीटन राजेश ने कमेंट करा है आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ब्रो, यू आर नॉट जस्ट कमेंटिंग बट ऑल्सो रीपेइंग आर कमेंट्स, यू आर मेकिंग इट इंटरेस्टिंग टू वॉच, थैंक्स ब्रो, मेरा काम यही है
आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना, इससे होता ये है कि आप लोगों के और मेरे बीच में एक कनेक्शन बना रहता है और मुझे भी आप लोगों से बात करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अगले कमेंट्स पर। तो यहाँ पर कमेंट्स में करी है अमर सिंह ने कमेंट करा है कि पीएनजी की बैटिंग कैसी है। भाई पीएनजी की बैटिंग काफ़ी बढ़िया है, आप चाहे तो पीएनजी के जो पिछले मुकाबले खेले गए हैं देख सकते हैं, जो बल्लेबाज हैं काफ़ी कंसिस्टेंसी से बैटिंग करते हैं और ये मैच आराम से पपुआ न्यू गिनिया जीत जाएंगे। तो यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पे, सॉरी लाइव मैच पर आ जाते हैं हम वापस से। तो यहाँ पर बरमूडा ने 32 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर और यहाँ 6 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त। और करंट रन रेट की बात करें तो 5.5 का करंट रन रेट चल रहा है, पावर प्ले हो चुका है समाप्त। अब और दिक्कत आ चुकी है बरमूडा के लिए क्योंकि अब खिलाड़ी आउट, अब बाउंड्री के पास ज़्यादा खिलाड़ी आ चुके हैं। अब देखते हैं बरमूडा क्या सिंगल डबल निकाल पाती है। इस समय अगर बाउंड्री की बात करें तो बरमूडा चाहेगी कि हर ओवर में एक एक बाउंड्री आ जाए और काफ़ी सेफ तरीके से आ जाए, उनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है इस समय। और बात करें रॉलिंस की तो रॉलिंस ही लग रहा है इस मैच को थोड़ा पलट सकते हैं, उन्होंने अब तक 12 गेंद खेली है और 20 रन बनाए हैं। और बात करें मलाची जॉन्स की तो उन्होंने 7 गेंद खेली है और 2 रन बनाए हैं। यहाँ पर मलाची जॉन्स को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी समय कर रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है बरमूडा को। कम से कम मलाची जॉन्स को सिंगल निकाल कर देना चाहिए रॉलिंस को क्योंकि रॉलिंस सेट हो चुके हैं। यहाँ बात करते हैं बॉलर्स की तो आसक बाला ने पिछला ओवर डाला था जिन्होंने 6 रन दिए हैं मात्र अपने ओवर में। तो एक बार वापस आ जाते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स स्किप हो चुके हैं लेकिन चलो जितने भी कमेंट इस समय हम देख रहे हैं उन कमेंट्स को हम ज़रूर रिप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बिट्टू कनू ने कमेंट करा है 33 रन भाई, हाँ ब्रो 33 रन हो चुके हैं, सॉरी मैंने 32 रन बताया था, वो जल्दबाजी में कभी कभार हल्की मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे ब्रह्मा श्रद्धा ने कमेंट करा है 100 रन पार हैं। भाई 100 रन पार हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब बस यही दो बल्लेबाज हैं, इसके बाद तो सारे गेंदबाज आएंगे और गेंदबाजों की विकेट बहुत जल्दी निकल जाती है। तो यहाँ पर अगला कमेंट करा है न्यान ने, ICC वेस्ट मनी फॉर दिस टाइप ऑफ टीम क्वालिफाइड सेलेक्शन। भाई ICC ने वेस्ट करा हो मनी या फिर नहीं वो तो देखते हैं, अभी पहला मैच है तो हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते इस मैच के बारे में। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया है अनलकी बॉय का जिन्होंने कमेंट करा है लाइव वीडियो दिखाओ। भाई मैं लाइव वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि YouTube हमें परमिशन नहीं देता है लाइव वीडियो दिखाने का, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो YouTube उस वीडियो को हटा देगा और इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना मेरा कुछ फ़ायदा होगा। तो अगले कमेंट पे चलते हैं, यहाँ पर कमेंट काफ़ी स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। तो मिस्टर यमीन ने कमेंट करा है आउट की होना, आउट करो ना भाई, देखते हैं आउट कर पाते हैं। वैसे ही 5 विकेट गिर चुकी है बरमूडा की, आधे सदमे में तो बरमूडा ऐसी आ चुकी होगी इस समय। यहाँ पे पपुआ कुमार ने कमेंट करा है PNG जीतेगा भाई, हाँ ब्रो PNG जीतेगा, मैं भी फुल सपोर्ट में हूँ इस समय PNG की और देखते हैं PNG क्या कर पाता है। तो एक बार हम इस मैच के पूरे ओवरऑल लुक पर एक बार ध्यान दे देते हैं। तो इस समय 6 ओवर का मुकाबला हो चुका है समाप्त, 33 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार हम बात कर लेते हैं जो प्लेयर आउट हो चुके हैं, तो जो सबसे पहले बल्लेबाज आउट हुए हैं उनका नाम है ओ बेस्कॉम और दूसरे नंबर पे जो आउट हुए थे उनका नाम था डी स्टॉवल। उनके बाद अगले आउट हुए थे जे टकर, उनके बाद आउट हुए हैं के लेवरॉक और उसके बाद आखिरी में आउट हुए हैं डी डेरेल। ये 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक बार हम कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं वापस से। यहाँ पे न्यूज़ करंट ने कमेंट करा है भाई आर ट्रोथ कैसा बॉलर है। भाई आर ट्रोथ हम देखा जाए तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं एवरेज बॉलर है, पर विकेट निकालने के मामले में हम बात करें तो ओनाइस बेस्कॉम काफ़ी बढ़िया गेंदबाज हैं और अगर बरमूडा में से वो चल गए तो शायद पपुआ न्यू गिनिया को थोड़ी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनिल गिरे ने कमेंट करा भाई अंकित सिंह के कमेंट्स नहीं बोले। भाई अंकित सिंह का कमेंट शायद स्किप हो गया होगा, काफ़ी स्पीड से कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए थोड़े दिक्कत है, लेकिन आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, इस बार मैं कैच कर रहा हूँ अंकित कुमार का कमेंट। तो यहाँ पर टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है भाई मलाची जॉन्स आज कितना मारेगा। भाई अब तक तो मलाची जॉन्स नॉर्मल स्पीड से खेल रहे हैं, 10 गेंद में 6 रन बनाए हैं उन्होंने। अक्षय ने कमेंट करा है भाई आप तो भाव नहीं दे रहे हो।
भाई किसको भाव नहीं दे रहा हूँ मैं अक्षय भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कमेंट्स छूट जाते हैं कुछ, तो आप लोग बुरा मत मानो, इतने सारे कमेंट्स आते हैं हर एक मिनट में, आप मानोगे नहीं, एक मिनट में टोटल 50+ कमेंट जा रहे हैं। आप बताओ एक मिनट में कैसे मैं उन 50 कमेंट को एक बारी में रिप्लाई दे दूँ, तो आप भी समझा करो मेरी परेशानी। तो यहाँ पर हम अगले कमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लवली कुमारी ने कमेंट करा है, यू पेन रियली, मैं समझा नहीं आपका कमेंट, प्लीज़ ढंग से आप टाइप करिए। टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है, भाई मलाची जॉन्स कितने मारेगा आज। भाई ये कहना थोड़ा मुश्किल है मलाची जॉन्स के लिए, क्योंकि वो खुद प्रेशर में आ चुके हैं इस समय। दिनेश ने कमेंट करा है, स्कोर कितना है। भाई स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बरमूडा ने 41 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे राम भवन ने कमेंट करा है, भाई हमारा कमेंट, ब्रो आप कमेंट करो जरूर, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मनीष ने कमेंट करा है, चार्लिस अमीन तो हैमस्ट्रिंग इंजरी है उसके कारण बॉलिंग नहीं कर पाएगा। भाई देखते हैं कि बॉलिंग कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने अगले कमेंट पर। तो यहाँ पर दिनेश ने कमेंट करा है, रॉलिंस 100 मारेगा। भाई 100 मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर एक बार रॉलिंस ने अर्धशतक बना लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि 100 के करीब ओवरऑल स्कोर बना सकते हैं। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग आज के मुकाबले पे। तो यहाँ पर हो चुका है 7 ओवर का मुकाबला समाप्त, और यहाँ पर बनाए हैं बरमूडा ने 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और करंट रन रेट इस समय है 5.86 का। तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी चल रही है इस समय। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया है श्रवण कुमार का, रॉलिंस, हाँ भाई रॉलिंस कुछ करेंगे। नयान ने कमेंट करा है, चलो कोई ना, आपका काम बहुत ही अच्छा और फास्ट है, कुछ कमेंट्स छोड़ते हैं, गुड जॉब। भाई कुछ कमेंट छूट जाते हैं, हाँ ब्रो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, मैं इतनी स्पीड में बताओ कैसे कमेंट के सब सारे कमेंट्स की रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगला कमेंट सुमन मजुमदेर का है, भाई ब्राह्मण कैसे बॉलर हैं। भाई वो बढ़िया बॉलर हैं और देखते हैं कि इस मैच में वो क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं आउट आउट आउट, हाँ ब्रो इसी के साथ यहाँ पर एक और विकेट गिर चुकी है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस समय, हम लोगों को लग रहा था कि रॉलिंस इस मुकाबले में कुछ करेंगे, लेकिन रॉलिंस ने भी 25 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और जो नए बल्लेबाज आए हैं वो हैं रॉडनी ट्रॉट, और ये आखिरी बल्लेबाज हैं बरमूडा की टीम के। अब देखते हैं क्या ये दोनों खिलाड़ी 100 रन तक का टारगेट स्कोर कर पाते हैं, या फिर बरमूडा को फेस करनी पड़ेगी अपनी पहली हार। यहाँ पे हम बात करें आसद वाला की, उन्होंने बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन करी है, 1.5 ओवर में 9 रन दिए हैं और एक विकेट निकाल लिया उन्होंने। करंट रन रेट की बात करें तो इस समय जो रन रेट है वो है 5.61 का, और इस रन रेट के अकॉर्डिंग अगर 20 ओवर तक खेलती है बरमूडा तो लगभग 125 का टारगेट खड़ा कर देगी बरमूडा। तो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे सुधीर सहानी ने कमेंट करा है, भाई बाउंड्री कितने मीटर की है। भाई ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी ना हॉटस्टार पे बताई जा रही है और ना गूगल के सर्वर पे पता लग रही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अगले कमेंट पे। अबीदा ने कमेंट करा है, भाई मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। भाई थैंक्स ब्रो, आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से मुझे थोड़ा सी हौसला मिलता है और मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स करता हूँ नॉनस्टॉप 3-3 घंटे की। तो जैसे कि इस समय हम बात करते हैं अब अपने कमेंट्स की। तो यहाँ पर कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे को बोल्ड और कॉट और रन आउट। भाई मैं समझा नहीं आपका कमेंट, अच्छा आप पूछना चाह रहे हैं कि जो रीसेंट बल्लेबाज आउट हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो भाई जो रॉलिंस थे वो अभी भी आउट हुए हैं और सीधा विकेट हुए हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो चुकी है बरमूडा के लिए, 6 विकेट गिर चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर अगला कमेंट आया है हमें निसर का, जिन्होंने कमेंट करा है, व्हेन विल बी हेक्यूरो इंट्रोड्यूस इनटू द बॉलिंग। हेक्यूरो भाई बॉलिंग में कब इंट्रोड्यूस होगा वो मैं बता नहीं सकता आपको। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आज के मैच की। तो 8 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त, बरमूडा ने बनाए हैं 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और बात करें करंट रन रेट की तो 5.5 का रन रेट इस समय चल रहा है। और हम बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो मलाची जॉन्स ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, 13 गेंद काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है मलाची ने, 13 गेंद में 7 रन बनाए हैं, और रॉडनी ने 1 गेंद में 1 रन बनाए हैं।
और बात करते हैं बॉलर्स की, तो नौसेन पोकाना ने 2 ओवर में दिए हैं 14 रन और 1 विकेट निकाली है। और बात करें आसद वाला की, तो उन्होंने 2 ओवर में 9 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाली है। तो यहाँ पर हम नज़र डालते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे उदराई 007 ने कमेंट करा है, टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? भाई इस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग टीम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट एक स्ट्रॉन्ग टीम है और काफ़ी गिनी चुनी टीमों में उनका नाम आया जाता है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है उस टीम की। तो यहाँ पर अगला कमेंट आ जाते हैं, कौन जीतेगा? भाई ये मैच जीतेगा PNG, ये मैच जीतेगा 100% श्योर हूँ मैं इस बात पे। तो यहाँ पे शिवम ने कमेंट करा है ट्रॉट 30+। भाई देखते हैं क्या ट्रॉट 30 से अधिक रन बना पाते हैं या उन्हें भी जल्द मैदान से वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला कमेंट करा है मृदल ने कमेंट करा है, मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। भाई भाई बहुत बढ़िया, थैंक्स ब्रो, आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज मैं इस लेवल पर हूँ। अगला कमेंट हमें आया है बैड बॉय का, मैच का क्या लगता है ब्रो? ब्रो ये मैच ईजली है, सिंपली है कि ये मैच PNG जीतेगा। अगले कमेंट पे आते हैं राहुल के, तो उन्होंने कमेंट करा है भाई आप फैंटेसी ऐप खेलते हैं? हाँ ब्रो, मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ और इस मैच की भी मैंने टीम लगाई थी और मुझे लग रहा है कि ये मैच में मेरे जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि मैंने 7 प्लेयर PNG के सेलेक्ट करे थे और जो मैंने बरमूडा की ओर से लिए थे वो मैंने एक स्टोबेल को सेलेक्ट किया था और रॉलिंस को, लेकिन यहाँ पर रॉलिंस ने थोड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो देखता हूँ कि यह मैच मैं ड्रीम 11 पे जीत सकता हूँ या फिर मैं हार जाऊँगा। तो यहाँ पर कमेंट करा है विलास ने मियां खलीफा, ब्रो यहाँ पे कोई खलीफा मैच नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे विष्णु ने कमेंट करा है लव यू ब्रो नाइस वॉइस, थैंक्स विष्णु भाई। इस समय हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक चीज़ कहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए पूरे 3-3 घंटे की कमेंट्री करता हूँ, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुझे, आप समझ सकते हो 3 घंटे की नॉन स्टॉप कमेंट्री। इसके लिए बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करा करें और आखिरी और लास्ट चीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको पूरे मैचेस के बारे में बताया करूँगा बिल्कुल बॉल बाय बॉल। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग करंट मुकाबले पे। तो 8 ओवर का हो चुका है मैच समाप्त, बरमूडा ने बनाए हैं 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और बात करें हम पपुआ न्यूगिनिया की, तो उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन रही है अब तक। यहाँ पर आसद वाला ने 2 ओवर में 10 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाली है। और बात करते हैं हम करंट बल्लेबाजों की, तो मलाची जॉन्स ने 13 गेंद में 8 रन मारे हैं और रॉडनी ट्रॉट की बात करें तो उन्होंने 1 गेंद में 1 रन बनाए हैं। तो एक बार वापस कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं। राहुल ने कमेंट करा है मैंने जॉन्स को लिया था, ब्रो जॉन्स को लिया है, चलो देख लेते हैं कि आपके लिए मलाची जॉन्स क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया है एस थम्बी का, जिन्होंने कहा है कि वाई लाइव स्ट्रीमिंग नॉट अवेलेबल? ब्रो मैं लाइव स्ट्रीमिंग आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है यूट्यूब से, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यूट्यूब उस वीडियो को हटा देगा जिसके कारण ना आप को मैच देखने को मिलेगा और ना ही मैं मैच आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने रीसेंट कमेंट पे। तो यहाँ पर हमें रिकू पॉल ने कमेंट करा है विकेट, भाई देखते हैं कि विकेट किसकी आती है। अगला कमेंट है लवली कुमारी का, वेयर इज़ आर वाऊ? भाई आर वाऊ की बात कर रहे हैं तो पता नहीं, शायद इस मैच में आर वाऊ नहीं खेल रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं आज के मुकाबले पे। तो 9 ओवर का मैच हो चुका है समाप्त, यहाँ पे बरमूडा ने बना लिए हैं 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और करंट रन रेट की बात करें तो 6.22 का रन रेट इस समय चल रहा है। और यहाँ पे हम एक बार बैट्समैन पे आ जाते हैं, तो मलाची जॉन्स ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करी है अब तक और काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं, 15 गेंद में 10 रन बनाए हैं उन्होंने। और यहाँ पर बात करें रॉडनी ट्रॉट की, तो उन्होंने 5 गेंद में 10 रन बनाए हैं। आ जाते हैं एक बार बॉलर सी और, तो यहाँ असद वाला ने 2 ओवर डाले हैं 10 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाली है। और जो अब बल्लेबाज गए हैं पिछला ओवर डाल के, जिनका नाम है लेगा साइका, उन्होंने 1 ओवर में 11 रन दिए हैं और काफ़ी शर्मिंदा होंगे अपने आप से कि उन्होंने इस मैच में थोड़ी सी, कह सकता हूँ मैं, थोड़ी सी इंक्रीमेंट दे दी है बरमूडा को। यहाँ पर बरमूडा का रन रेट 6.22 का आ चुका है और इसी रन रेट
पे चलते हुए बरमूडा 20 ओवर में 125 का टारगेट खड़ा कर सकती है। तो एक बार वापस से हम कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है, मुझको आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी और आपकी मेहनत, इसलिए मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड लाइक ऑल्सो। थैंक्स ब्रो टेक्नो राहुल, आपके इसी सपोर्ट के कारण मुझे थोड़ी और खुशी होती है आप लोगों के लिए लाइव कमेंट्री और लाइव मैच प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर एक बार हम वापस से आ जाते हैं अगले कमेंट पे। तो कमेंट्स काफ़ी स्पीड में निकल रहे हैं दोस्तों, स्पीड काफ़ी हो चुकी है, पर मिनट में 75 कमेंट्स आ रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है उन 75 कमेंट्स को एक बारी में पढ़ना और रिप्लाई करना। तो जो रिसेंट कमेंट्स हैं उनको मैं तुरंत देख रहा हूँ और रिप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अगला कमेंट यहाँ पर आया है बिरोज का, तो बिरोज ने कमेंट करा है इस समय भाई, बस भाई दुआ करो कि बरमूडा किसी प्रकार से जीते मैच। ब्रो बरमूडा के अभी हालात बहुत बेकार हैं इस समय, और आप जैसा कह रहे हो कि अगर हम प्रेयर करें कि बरमूडा जीते तो ये थोड़ा असंभव है इस समय, ये ट्रू है ब्रो। ये जिस तरीके की बल्लेबाजी आज बरमूडा से हुई है वो काफ़ी, हम कहें तो काफ़ी दिक्कत वाली बल्लेबाजी करी है इस समय बरमूडा ने। बैड बॉय ने कमेंट करा है आई हैव सब्सक्राइब, थैंक्स ब्रो सब्सक्राइब करने के लिए। लव इज़ ब्लाइंड ने कमेंट करा है क्या डी राव बॉलिंग करेगा। भाई डी रावू शायद बॉलिंग कर सकता है, चलो देखते हैं जब उनकी गेंदबाजी आएगी तो पता चल जाएगा हम लोगों को। अनिल ग्रह ने कमेंट करा है 7 विकेट गया आमी ने लिया विकेट। ब्रो देखते हैं गिर चुका है विकेट शायद, यहाँ पे अभी अपडेट मिल जाएगा आपको। तो आ जाते हैं वापस आज के मुकाबले पर। तो आज का मुकाबला बरमूडा और पपुआ न्यू गिनिया के बीच में है और यहाँ पे बना लिए हैं बरमूडा ने टोटल रन 59 और 7 विकेट गिर चुकी है बरमूडा की। यहाँ पर हम बात करें करंट बल्लेबाजों की, तो वो खेल रहे हैं रॉडनी ट्रॉट जिन्होंने 6 गेंद में बनाए हैं 11 रन, और दूसरी तरफ बात करें वो हैं अगले बल्लेबाज एलन जिन्होंने 2 गेंद में बनाए हैं 1 रन। अब बरमूडा के लिए काफ़ी दिक्कत आ चुकी है क्योंकि अब गेंदबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखते हैं एलन क्या कर पाते हैं इस मैच में। आ जाते हैं एक बार बॉलिंग साइड पे, तो लेगा साइका ने एक ओवर में दिए हैं 11 रन, और चार्ल्स एमिने ने अपने पिछला ओवर काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकाला, एक ओवर कराया है अब तक उन्होंने इस मैच में और 4 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाल ली है। तो हो गया है 10 ओवर का मैच समाप्त, बरमूडा ने बना लिए हैं 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 6 का चल रहा है इस समय। तो चलिए वापस से आ जाते हैं एक बार हम लोग कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। आयुष रावंत ने कमेंट करा है ब्लॉक क्यों करा है कमेंट। भाई मैं आप लोगों का कमेंट ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, जो नाइट बोट है आपके चैट में वो ऑटोमेटिकली कमेंट्स कुछ ब्लॉक कर देता है जो उसको लगता है कि स्पैम है या आप लोग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ईजी वर्ड्स टाइप करिए जो नाइट बोट ब्लॉक ना करे। जो नाइट बोट है मैं आपको बता देता हूँ, वो यूट्यूब का अपना एक अलग प्रोग्राम है और यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी स्पैम मैसेज आता है तो नाइट बोट उसे अपने आप रिव्यू कर देता है और वो उसे ब्लॉक कर देता है और या तो अनब्लॉक कर देता है। तो चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं। नयान ने कमेंट करा है लास्ट विकेट बोल्ड या कैच। भाई जो पिछली विकेट गिरी थी वो विकेट बोल्ड हुई थी, विकेट आउट हुए थे जॉन्स, और यहाँ पे हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर शिहराज ने कमेंट करा है नाइस कमेंट्री, थैंक्स ब्रो आप लोगों के सपोर्ट के कारण। यहाँ पे टेक्नो राहुल का कमेंट आया है आप मुझे प्रमोट कर दो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल के लिए, मैं ड्रीम इलेवन टीम प्रोवाइड करता हूँ, मेरे चैनल का नाम है फैंटेसी टेक ऑफिशियल। तो जितने भी इस समय यूज़र हमें देख रहे हैं भाई, आप लोगों को मैं कहता हूं कि टेक्नो राहुल का एक चैनल है फैंटेसी टेक ऑफिशियल का, तो आप लोग उनके चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और वो अपने चैनल पर फैंटेसी गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अगले कमेंट की ओर। तो यहाँ पर गणेश ने कमेंट करा है पीएनजी की तरफ से कौन ओपन करता है। भाई पीएनजी के जो ओपनर बैट्समैन हैं उनका नाम है आसद वाला और टोनी उरा। देखते हैं क्या ये दोनों बल्लेबाज ही अकेले इस मैच को ले जा पाएंगे या उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एबी आपका भाई ने कमेंट करा है 95 ऑल आउट राइट। भाई देखते हैं 95 पे ऑल आउट हो पाते हैं या उससे भी पहले हो जाएंगे शायद, से जितना मुझे लग रहा है ओवर ऑल आउट। लेकिन एक चीज़ तो पक्का है, बरमूडा पूरे 20 ओवर अब नहीं खेल पाएगा क्योंकि सिर्फ 3 विकेट और बाकी है जिसमें से 2 गेंदबाज बचे हैं और 1 बल्लेबाज। तो देखते हैं क्या बरमूडा 100 रन का टारगेट खड़ा कर पाती है या उन्हें
आज का मैच से नाखुश होना पड़ेगा। तो चलिए एक बार वापस से आ जाते हैं हम लोग आज के मैच पे। तो हो चुका है 10 ओवर का मैच समाप्त, बना लिए हैं बरमूडा ने 60 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो जैसा कि मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ये मैच नंबर 5th है जो खेला जा रहा है बरमूडा और PNG के बीच में, और ये ICC मैन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का 5वां मुकाबला है। इस सीरीज़ में टोटल 51 मैचेस खेले जाएंगे और हम देखते हैं क्या इस सीरीज़ के एंड तक कौन सी टीम अपनी रेपुटेशन बना पाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार करंट स्कोर की। तो बरमूडा इस समय 64 रन पे खेल रहा है जिन्होंने 7 विकेट गंवा दी है, और करंट रन रेट की बात करें तो 6.9 का करंट रेट इस समय चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो यहाँ पर जो बल्लेबाज कर रहे हैं उनका नाम है रॉडनी ट्रॉट, जिन्होंने 7 गेंद में बनाए हैं 11 रन, और दूसरी छोर पर है एलन डगलस जिन्होंने 5 गेंद में बनाए हैं 5 रन। और बात करते हैं बॉलर्स की, तो चार्ली एमिनी ने 1 ओवर में बनाए हैं 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 1 ओवर में 4 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाली है। और बात करें डैमनियो रावू ने, तो वो नए गेंदबाज आए हैं जिन्होंने अब तक 3 गेंद करी है और 4 रन दिए हैं। तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए हम 3 घंटे की नॉनस्टॉप कमेंट्री करते हैं, आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए आप लोग अगर हमें कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और अपने मैसेजेस मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। और वहाँ पर ये बात है कि मैं जितने भी कमेंट मैं रिसीव करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो सारे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ विद इन 1 आवर। तो चलिए यहाँ पे हम अगले कमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्लेयर ने कमेंट करा है भाई एलन डगलस 50 मारेगा। भाई एलन डगलस 50 मारने के चांसेस अब कम है इस समय, क्योंकि काफ़ी प्रेशर पूरी टीम पे भी है और एलन पे भी है इस समय। तो पर देखते हैं क्या एलन बना पाते हैं और रन, या फिर उन्हें भी मैच से जल्द जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक बार हम नज़र डाल लेते हैं करंट स्कोर्स पे। तो 11 ओवर का मुकाबला हो चुका है समाप्त, बरमूडा ने बनाए हैं 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और जो करंट रन रेट इस समय चल रहा है वो है 6 का। तो यहाँ पर एक बार हम लोग आपको बता देते हैं कि ये मुकाबला नंबर 5 है, और आज एक और मुकाबला, आज 3 मुकाबले और हैं इस सीरीज़ के जो 3:30 बजे चालू होंगे, तो आप उसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं लाइव विद बॉल बाय बॉल कमेंट्री। तो एक बार हम तुरंत नज़र डाल लेते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर RS शर्मा ने कमेंट करा है ये पार्ट टाइम बॉलर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबको तो विकेट मिल रहा है। हाँ भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें बढ़िया बॉलर्स भेजने चाहिए, पप्पू अनुजीनिया को, जो बॉलर्स ने ऑलरेडी विकेट ले लिया उन्हें भेजे तुरंत, और तुरंत इस मैच को ख़त्म करा जाए। जतिन सिंह ने कमेंट करा है 72/7, भाई 72/7 हाँ ब्रो हो सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिले चलता है मैच। RS शर्मा ने कमेंट करा है पार्ट टाइम बॉलर क्यों कर रहा है, इतने बॉलर्स तो हैं। हाँ भाई, बॉलर्स तो वैसे बहुत हैं PNG के पास, लेकिन वो उनकी मर्जी है, कोई उनकी प्लानिंग होगी या अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं वो बाकी के गेंदबाजों को भी। तो चलिए यहाँ पर अगले कमेंट पर आते हैं। लोग पूछ रहे हैं भाई लाइव कहाँ देख सकते हैं। ब्रो, अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हैं तो आपको कहीं पे भी लाइव वीडियो मैच नहीं देखने को मिलेगा, ना आप टीवी पे देख सकते हैं ना यूट्यूब पे लाइव वीडियो मैच देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसे हॉटस्टार पे देख सकते हैं। लेकिन हॉटस्टार पे देखने के लिए आपको 736 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो भी VIP वाला, तभी आपको वहाँ पर ये मैच देखने को मिलेगा। और ये इसलिए टीवी पे नहीं दिखा रहा क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच है और ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं है इस मैच की इंडिया में। तो चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज के मैचेस के करंट स्कोर्स के बारे में, तो 11.4 ओवर का मैच हो चुका है, 72 रन बनाए हैं बरमूडा ने 7 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं रॉडनी ट्रॉट जिन्होंने 9 गेंद में बनाए हैं 12 रन, और दूसरी तरफ बात करें एलन डगलस की जिन्होंने 10 गेंद में बनाए हैं 12 रन। आ जाते हैं बॉलर्स पे, तो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं चार्ली एमिनी जिन्होंने अब तक 1.5 ओवर डाला है और 9 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाल ली है उन्होंने। और दूसरी तरफ बात करें डैमनियो रावू की, तो उन्होंने 1 ओवर में 7 रन दिए हैं और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर हो चुका है 12 ओवर का मैच ख़त्म, 72 रन बना लिए हैं बरमूडा ने 7
विकेट के नुकसान पे, और करंट रन रेट इस समय है बरमुडा का 6 का। अगर इसी रन रेट से बरमुडा चली तो 120 तक का टारगेट बरमुडा बना लेगी 20 ओवर्स में। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं वापस से कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे हमें कमेंट करा है टेक्नो राहुल ने, भाई थैंक्स, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रमोट करूँगा। ब्रो थैंक्स ब्रो, प्लीज़ आप मुझे भी प्रमोट करो और मैं आप लोगों को भी प्रमोट करूँगा। जितने भी समय लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनका भी यूट्यूब चैनल है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का चैनल अनाउंस कर दूंगा इस समय, ताकि आपका भी थोड़ा चैनल प्रमोट हो सके। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने रीसेंट कमेंट पे। तो यहाँ पर ननु यादव ने कमेंट कराया है 50-70 का पार्टनरशिप होगा। भाई 50 या 70 रन की पार्टनरशिप होगी वो तो देखते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर हम लोग वापस से आ जाते हैं लाइव मैच पे। तो यहाँ पर टोटल 12 ओवर की पहली गेंद डल चुकी है और विकेट निकाल ली है यहाँ पे दामिनी रावू ने, और इसी के साथ यहाँ पे बरमुडा की गिर चुकी है 8वीं विकेट। 72 रन पे 8 विकेट गवा दी है बरमुडा ने, और अब तो बहुत दिक्कत में आ चुकी है बरमुडा, ऑलमोस्ट अब एक तरीके से डेड हो चुकी है बरमुडा की टीम। और यहाँ बात करते हैं करंट बल्लेबाज की, तो वो हैं रॉडनी ट्रॉट, जिन्होंने 11 गेंद में बनाए हैं 20 रन। और नज़र डालते हैं एक बार गेंदबाजों पर, तो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं दामिनी रावू, जिन्होंने अब तक एक ओवर पूरा डाल लिया है और अब तक अपने दूसरे ओवर की सिर्फ एक गेंद डाली है जिसमें उन्होंने विकेट निकाल ली है। और हम बात करते हैं करंट रन रेट की, तो इस समय जो रन रेट चल रहा है वो 5.91 का है। तो चलिए एक बार हम लोग कमेंट सेक्शन पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर रोश टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है टेलीग्राम चैनल फैंटेसी टेक ऑफिशियल। हाँ भाई, आप टेक्नो राहुल का चैनल सब्सक्राइब करो, प्लीज़ उनका चैनल प्रमोट करिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं नयन गढ़ावी के ने कमेंट करा है लास्ट विकेट कैच और रन आउट। भाई जो अभी लास्ट विकेट गिरी है वो कैच आउट हुई है, यहाँ पे सिक्स मारने की कोशिश करी थी एसी डगलस ने, लेकिन कैच आउट हो गए हैं वो। यहाँ पे रोशन ने कमेंट करा है 97 या 98 टारगेट रुकेगा, सबको बोल देता हूँ। भाई मेरे को भी ऑलमोस्ट लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मान लो आप, 100 पे बरमुडा ऑल आउट हो जाएगी ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जो आने वाले, अब जो उतरेंगे बल्लेबाजी करने वो गेंदबाज हैं, और आपको पता है कि गेंदबाज ज़्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाते। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम लोग आज के करंट स्कोर्स पे। तो यहाँ पर 12वें ओवर कि 5वीं गेंद डल चुकी है, बनाए हैं बरमुडा ने 73 रन 8 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट इस समय है 5.68 का। जो नए बल्लेबाज उतरे हैं बरमुडा की ओर से वो हैं ओनाइस बेस्कॉम, जिन्होंने 4 गेंद में बनाई हैं 1 रन। और बात करें रॉडनी ट्रॉट की, तो उन्होंने 11 गेंद खेली है 12 रन बनाए हैं। एक बार बॉलर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, तो इस समय जो करंट गेंदबाजी कर रहे हैं वो, उनका नाम है दामिनी रावू, जिन्होंने 1.5 ओवर में दिए हैं 8 रन और 1 विकेट निकाली है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार इस मैच के बारे में, तो करंट स्कोर है 73-8। तो चलिए एक बार कमेंट सेक्शन पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे नयन ने कमेंट करा है किसने कैच किया। भाई टोनी उरा ने कैच करा था एसी डगलस का। यहाँ पे अगला कमेंट है कृष्णा रेड्डी का, हु विल विन द गेम, भाई पीएनजी ये मुकाबला जीतेगा। अगला कमेंट है राहुल का, भाई आप मुझसे परेशान हो गए हो क्या। ब्रो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ है, मैं तो अपने जितने भी कमेंट्स करते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, मैं तो उन लोगों के लिए तो कमेंट्स करता हूँ। आप लोग ही मेरे लिए सपोर्टर हो, आप लोग ही मुझे प्रोवोक करते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, और काफ़ी देर तक मैं आप लोगों के लिए कमेंट्री करता हूँ। तो कोई भी ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को हेट करता हूँ, कुछ नहीं। मैं सारे जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं सबको कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही आज मैं यूट्यूब पे आया हूँ, वरना मैं, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यूट्यूब पे ये वीडियो स्ट्रीम नहीं करता। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया है हमको बैड बॉय सैडी का, जिन्होंने कमेंट करा है बरमुडा के पास बॉलिंग अटैक है क्या। भाई बरमुडा के पास एक दो बॉलर्स हैं जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुकी है बरमुडा इस टाइम। और मुझे लगता है कि अगर कितने भी बढ़िया गेंदबाजी कर लें बरमुडा, लेकिन पपुआ न्यू गिनिया ये मैच अपने नाम ईजिली कर पाएगी। योगेश ने कमेंट करा है रिसेंटली स्कोर बोलो। भाई इस समय जो करंट स्कोर चल रहा है वो ये है कि बरमुडा ने बना लिए हैं 13 ओवर में 75 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और करंट रन रेट इस समय है 5.76 का। बात करते हैं करंट बल्लेबाजों की, तो वो हैं रॉडनी ट्रॉट, जिन्होंने 12 गेंद में बनाए हैं 14 रन, और ओनाइस ने खेले हैं अब तक 4 गेंद और बनाए हैं 1 रन। आ जाते हैं बॉलर्स की साइड, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बॉलिंग करवा रहे हैं
है डेमिनो रावू जो पिछला ओवर डाल के गए हैं, उन्होंने अपने ओवर में 2 ओवर डाले हैं, मात्र 10 रन दिए हैं और 1 विकेट अपनी टीम के लिए उन्होंने निकाली है। तो चलिए वापस आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पे। यहाँ पर विकी ने कमेंट करा है लास्ट विकेट कौन लिया। भाई लास्ट विकेट डेमिनो रावू ने लिया था और कैच करा था टॉनी उरा ने। यहाँ पर अगला कमेंट है न्यू हिंदी पंजाबी स्टेटस का, भाई आप कहाँ से हो। भाई मैं इंडिया से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। श्याम ने कमेंट करा है ट्रॉट गोने, हाँ भाई नहीं भाई ट्रॉट का आउट हुए हैं अभी। तो यहाँ पे बिश्मकर ने कमेंट करा है पीएनजी ओपनर्स मारेगा क्या। भाई पीएनजी के ओपनर इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो पहले तो बल्लेबाज हैं पीएनजी के, अगर वो आउट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बरमुडा को तरीके का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग करने खुद आते हैं कैप्टन और साथ ही में उनके साथ आते हैं टोनी उरा जो राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अपने अगले कमेंट की। तो शकाद रजवी ने कमेंट करा है आसद वाला अब बॉलिंग करेगा या नहीं। भाई आसद वाला बॉलिंग करेगा या नहीं ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो आप मैच देख लेना एक बार तो पता चल जाएगा। या जैसे ही हम बात करें अगर आसद वाला की बॉलिंग के, तो कम चांसेस हैं क्योंकि उनके पास खुद बढ़िया गेंदबाज पड़े हैं और मैच का ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है कि उन्हें बॉलिंग करने की कोई ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर विकी ने कमेंट करा है सबसे ज़्यादा कौन लिया एफीके। भाई समझने में एफीके क्या कहना चाहते हैं आप। फिल्मी ने कमेंट करा है भाई तुम्हारा यूट्यूब पर ऐड क्यों नहीं है। भाई मेरा यूट्यूब पर ऐड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनिटाइज नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो 1 महीने बाद मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, फिर मेरे चैनल पे भी ऐड आने लगेंगे और आप लोगों को मैं और बढ़िया तरीके से मैच दिखाया करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हैं जिससे मैं आपको लाइव टू लाइव दिखा सकूँ। तो चलिए अगले कमेंट पर आते हैं। यहाँ पे शबीर ने कमेंट करा है वीडियो नहीं बिठा सकते क्या। भाई मैं वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube मुझे अलाउ नहीं करता है वीडियो दिखाना, अगर ऐसा मैं करता हूँ तो YouTube उसे हटा देगा और साथ ही में मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। बिशंकर ने कमेंट करा है साइका बॉल करेगा क्या। भाई साइका बॉल करेगा, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ एक बार चेक करके, अगर साइका अगर गेंदबाजी करना चाहे तो कर भी सकते हैं वैसे साइका, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि साइका गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं वापस से हम लोग अपने कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे न्यू हिंदी पंजाबी स्टेटस ने कमेंट करा है भाई पीएनजी की ओपनिंग कौन करेगा। भाई पीएनजी की ओपनिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो आसद वाला ओपनिंग करेंगे पीएनजी की स्टार्टिंग, और उनके साथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे उनका नाम है टोनी उरा राइट हैंडेड बैट्समैन है और आसद वाला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो यहाँ पे वसीम पठान ने कमेंट करा है भाई पीएनजी में ओपन कौन करेगा। भाई पीएनजी के में ओपनिंग करने आएंगे आसद वाला और टोनी उरा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज के मैच के करंट स्कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर हो चुका है 14 ओवर का मैच समाप्त, बरमुडा ने बनाए हैं 76 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और बात करें करंट बल्लेबाजों की, तो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉडनी ट्रॉट जिन्होंने 17 गेंद में खेली हैं और 14 रन बनाए हैं, और दूसरी छोर पर है ओनाइस बेस्कॉम जिन्होंने 6 गेंद खेली है और 3 रन बनाए हैं। बात करते हैं करंट गेंदबाजों की, तो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं रिलाके जिन्होंने 1 गेंद डाली है और 1 रन दिया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल मैच की, तो करंट स्कोर 77 है फॉर 8 विकेट्स और करंट रन रेट इस समय है 5.43 का। तो चलिए एक बार वापस से कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ भाई आप सिंबल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नाइट बोट अलाउड नहीं करता है सिंबल यूज़ करने के लिए, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, तो आप कोई भी सिंबल यूज़ मत करिए, उसके बिना आप कमेंट्स मेरे को चैट करिए। तो यहाँ पे अगला कमेंट करा है फिल्मी सवेरा ने बाई ड्रीम इलेवन के से सभी 1 रैंक लाए हो। भाई समझा नहीं मैं आपका कमेंट, मुझे लगता है बरमुडा 101 स्कोर करेगा। भाई देख लेते हैं बरमुडा कितना स्कोर करता है, अब दो ही विकेट और बची है, अब उसी में हमें पता चल जाएगा कि बरमुडा का क्या टारगेट रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला कमेंट आया है वसीम पठान का, आप भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, ग्रेट जॉब, थैंक्स ब्रो। तो यहाँ पर हम लोग अगले कमेंट पा जाते हैं। तो यहाँ पे कमेंट करा है भाई से भावुक कैसे बैट्समैन है। भाई एस भावुक कैसा बैट्समैन है ब्रो, से भावु लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और उनकी बात करें खेलने का तरीका, तो उनका जो खेलने का तरीका वो एक, मैं कह सकता हूँ एक नॉर्मल तरीके से खेलते हैं, मतलब रिस्क कम लेते हैं वो, क्योंकि जो रिस्क लेने वाले खिलाड़ी हैं वो ओपनर्स खुद हैं।
तो यहाँ पे नीतीश कुमार ने कमेंट करा है, मेरा कमेंट्स का आंसर दो। भाई आप कमेंट करो जरूर, मैं आपको कमेंट का आंसर देता हूँ। यहाँ पे भीम शंकर ने कमेंट करा है, साइका बैटिंग पे कब आएगा? भाई साइका बैटिंग पे कब आएगा देखते हैं ब्रो, कब तक आ जाता है साइका बैटिंग पे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। तो यहाँ पर भीमा शंकर पूछ रहे हैं भाई साइका बैटिंग कब करेगा ब्रो, देखते हैं कब तक आ जाते हैं भीमशंकर बैटिंग करने के लिए। श्रीकांत ने कमेंट करा है, भाई रामलाइन बॉलिंग करेगा, भाई रामलाइन बॉलिंग करेगा, एक बार एक मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ कि रामलाइन बॉलिंग करेगा आज या कि नहीं। भाई रैम नहीं, सॉरी ब्रो, आज वो मैच में खेल ही नहीं रहे हैं तो क्या बॉलिंग करेंगे वो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले बल्लेबाज की। तो यहाँ पर 15 ओवर का मुकाबला हो चुका है समाप्त। बरमुडा ने बनाए हैं 81 रन 8 विकेट के नुकसान पे और करंट रन रेट इस समय 5.4 का चल रहा है। बात करें करंट बल्लेबाजों की तो रॉडनी ट्रॉट ने 18 गेंद खेली है, 15 रन बना लिए हैं और दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं ओनाइस बेस्कॉम जिन्होंने 10 गेंद में बनाए हैं 6 रन। बॉलर्स की बात करें तो पिछला ओवर डालकर गए हैं रिले हैकुरु जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 5 रन दिए हैं। तो एक बार तुरंत नज़र डाल लेते हैं कमेंट सेक्शन पे। न्यू हिंदी पंजाबी स्टेटस ने कमेंट करा है, ग्रेट जॉब, लव यू ब्रदर, थैंक्स भाई। तो यहाँ पर कमेंट्स काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं दोस्तों, एक मिनट में 85 कमेंट्स निकल रहे हैं, तो सारे कमेंट्स में नहीं पढ़ पा रहा, तो कोई भी जना बुरा मत मानिएगा, बस आप कमेंट्स टाइप करते रहिए, जैसे ही मैं कमेंट आपका देखूंगा आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए यहाँ पे अगले कमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार ने कमेंट करा है, टोटल स्कोर का कुछ नॉलेज है आपको? भाई टोटल स्कोर इस समय, टोटल स्कोर क्या, अच्छा अगर आप पूछ रहे हैं ओवरऑल कितना स्कोर बना पाएगी बरमुडा, तो 115 या 20 तक ले जा पाएगी बरमुडा। यहाँ पे अगला कमेंट है वासीम अकराम का जो पूछ रहे हैं वाला कैप्टन, भाई वाला कैप्टन समझा नहीं मैं आपका कमेंट। टेक्नो राहुल ने कमेंट करा है, साइका कैसा बैट्समैन है? भाई अगर आप बात कर रहे हो साइका की तो एक मिनट में आपको बता देता हूँ साइका की ओवरऑल परफॉर्मेंस। साइका वैसे तो राइट हैंडेड बैट्समैन है और इनकी अगर खेलने के तरीके पर हम बात करें तो ये एक तरीके से रिस्क लेते हैं, ये हर ओवर में ट्राई करते हैं, मतलब हर 3-4 गेंद खेलने के बाद ये ट्राई करते हैं कि एक बाउंड्री जरूर लगाई जाए। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस मैच की शुरुआत से कि पीएनजी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे बल्लेबाज हमने देखे हैं पीएनजी में जो बाउंड्री लगाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे अगला कमेंट है बबली प्रधान का जिन्होंने कहा भाई टी स्टोवेल बॉलिंग करेगा क्या? भाई टी स्टोवेल, एक मिनट ब्रो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि टी स्टोवेल बॉलिंग करेगा आज की या नहीं। अगर हम बात करते हैं डी स्टोवेल की, ब्रो हाँ डी स्टोवेल आज बॉलिंग करेगा। किरण कुमार का कमेंट आया है, व्हाट पोजीशन विल डोरिगा कम टू बैट? भाई डोरिगा बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, मेरे ख्याल से फोर्थ डाउन पे आ जाएगा डोरिगा बल्लेबाजी करने के लिए। शबार ने कमेंट करा है, प्लीज़ से माई नेम सर। शबार ब्रो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, थैंक्स भाई। रोहन कुमार, भाई नेपाल क्यों नहीं है इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर में? भाई शायद नेपाल की जो मतलब मैं कह सकता हूँ आईसीसी ने शायद नेपाल को इस साल आउट रखा है, कोई इश्यूज होंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने अगले कमेंट पे। यहाँ पे शाबिर एन प्रिंस ने कमेंट करा है, पाकिस्तान टी20 का आप कमेंट्री करते हो क्या? भाई जितने भी मैचेस होते हैं मैं हर मैच की कमेंट्री करता हूँ, मेरे आप लोगों की अगर डिमांड हो तो मैं हिंदी में भी कमेंट्री कर सकता हूँ और इंग्लिश में, जैसे आपको सूटेबल लगे आप मुझे बता दिया करो, मैं उसी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कमेंट्री करूँगा। तो यहाँ पे अगले कमेंट पे चलते हैं। सौरभ ने कमेंट करा है, आसद वाला बॉलिंग करेगा अब? आसद वाला, भाई एक मिनट में आपको बता देता हूँ आसद वाला, भाई आसद वाला बॉलिंग नहीं करेंगे आपको मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ आज बल्लेबाजी पे फोकस करेंगे, गेंदबाजी नहीं करेंगे आज वो। यहाँ पे अगला कमेंट है श्याम वीर का, बरमुडा विन होगी ब्रो आज, रियल अपडेट है? भाई बरमुडा का जीतने के चांस भाई थोड़े से कम लग रहे हैं मुझको, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 16 ओवर का मैच हो चुका है, 85 रन बनाए हैं, 8 विकेट भी गिर चुकी है। यहाँ पे अगला कमेंट है बबुली प्रधान का, थैंक्स ब्रो भाई थैंक्स। यहाँ सचिन ने कमेंट करा आई लव यू भाई, ब्रो आई लव यू। यहाँ पे अगला कमेंट है श्याम का, बरमुडा विन होगी। भाई बरमुडा के जीतने की अगर हम बात करें तो बरमुडा वैसे जीत भी सकती है या नहीं भी, अब बस हमें देखना पड़ेगा पपुआ की ओपनिंग, अगर काफ़ी बढ़िया ओपनिंग करते हैं पपुआ न्यूजीनिया के बल्लेबाज तो फिर इजीली पपुआ न्यूजीनिया ये मैच जीत जाएगी।
रोहन कुमार ने कमेंट करा है बन जाएगा छोटू यादव जी। भाई छोटू यादव जी बन जाएगा, समझा नहीं आपका कमेंट। टेक्नो राहुल ने अगला कमेंट करा है भाई आप थक गए होगे आप पानी पी लो। ब्रो वो तो मैं खुद थक गया हूँ, अब तक लगभग 1.5 घंटा हो चुका है स्ट्रीम करते हुए मुझे और नॉन स्टॉप कमेंट्री कर रहा हूँ। मेरे गले की इस समय जो हालत है वो शायद ही कोई अंदाजा कर पाए कि किसका कितना गले में पेन हो रहा है। लेकिन अब मैं पानी वानी ब्रेक तभी लूँगा एक बार जैसे ही फर्स्ट टीम की बैटिंग ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अगला कमेंट हमारे पास है रंजन का, जिन्होंने कमेंट करा है पीएनजी जीतेगी कन्फर्म। भाई चलो देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है, पीएनजी जीतता है या फिर नहीं। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग वापस से आज के मुकाबले पे। तो आपको फिर से याद दिला देता हूँ आज का मैच बरमूडा और पीएनजी के बीच में है। और यहाँ पे देखते हैं कि बरमूडा क्या 100 रन का टारगेट खड़ा करने में पॉसिबल हो पाएगी या उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो चलिए जैसा कि आपको मैंने बताया है इस मैच के बारे में, ये ICC मैन T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर है। इस सीरीज़ में टोटल 51 मैचेस खेले जाएंगे और आज 5वां मुकाबला है इस सीरीज़ का। और देखते हैं इस समय कि ये मुकाबला कौन अपने नाम करता है, या बरमूडा ये मैच अपने नाम कर पाएगा या फिर PNG इस मैच को अपने नाम कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की तो मुझे जितना लग रहा है कि ये मैच PNG अपने नाम कर पाएगा, क्योंकि अगर हम इस मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जाएं तो काफ़ी दिक्कत में है इस समय बरमूडा। चलो पर वो तो हमें देखते रहेंगे, पता चलता रहेगा। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि PNG विन। भाई चलो देखते हैं PNG जीतता है या नहीं। शिवम ने कमेंट करा है भाई अपडेट करो। भाई समझा नहीं मैं अपडेट करूँ मतलब। चलो एक बार मैं आप लोगों के लिए करंट स्कोर पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे करंट स्कोर है 85/8। रन रेट की बात करें तो 5.31 का रन रेट इस समय चल रहा है। और जो बल्लेबाज इस समय कर रहे हैं बल्लेबाजी, उनका नाम है रॉडनी ट्रॉट, जिन्होंने 23 गेंद में बनाए हैं 16 रन और 19 बैस्कॉम ने 11 गेंद खेली है और बनाए हैं 7 रन। तो एक बार आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे शाबिर एंड प्रिंस ने कमेंट करा है आपको कमेंट्री के बदले क्या मिलता है। भाई मुझे कमेंट्री के बदले कुछ नहीं मिलता, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। और इस चीज़ के लिए मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे अगला कमेंट आया है 9th wicket gone। भाई देखते हैं 9th wicket गिर चुकी है या फिर नहीं। यहाँ पर हम बात करें हिमांशु ठाकुर की, तो वो कह रहे हैं नाम बताओ। भाई मेरा नाम पंकज है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगले कमेंट की। तो यहाँ पर शुभम दास ने कमेंट करा है योर चैनल इज़ वेरी गुड। भाई शुभम बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कमेंट पे आ जाते हैं मलंग के, उन्होंने कहा लव यू ब्रो थैंक्स भाई। हिमांशु ने कमेंट करा है तेरा नाम क्या है। भाई मेरा नाम ही पंकज है। तो यहाँ पर संदीप ने कमेंट करा है बरमूडा विन। भाई देखते हैं बरमूडा जीतता है या फिर नहीं, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। कुछ लोग इस समय कमेंट सेक्शन पे वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उन्हें पहले ही कह देता हूँ स्टॉप कर दीजिए अपने आप इसे, क्योंकि नाइट बोर्ड बेकार में आप लोगों को यहाँ से हटा देगा। तो अगर ऐसा नहीं चाहते कि नाइट बोर्ड करें तो प्लीज़ ये सब मत करिए। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अगले कमेंट पर। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विकेट गिर चुकी है, चलो देखते हैं हम लोग कि विकेट गिर चुकी है कि नहीं। जो अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत में नज़र आ रही है इस समय हमको बरमूडा, क्योंकि यहाँ पर बरमूडा ने गिरा दी है अपनी 9वीं विकेट। तो देखते हैं क्या बरमूडा अब 100 रन भी बना पाएगी या फिर नहीं। इस समय बहुत खुश होगी PNG की टीम, और काफ़ी अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है इस बार PNG के गेंदबाजों ने। तो कमेंट सेक्शन में और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर कमेंट करा है माई लाइफ ने मैच क्यों रुक गया। भाई मैच रुका नहीं है, मैच चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहा है मैच। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट कमेंट की। तो लेटेस्ट कमेंट इस समय हमें आया है भावेश का, ओपनर कौन आएगा। भाई ओपनर जैसा मैंने आपको बताया है कि जो कैप्टन है, कैप्टन खुद उतरेंगे जिनका नाम है आसद वाला, और उनके साथ उतरेंगे टोनी हुरा। तो देखते हैं क्या ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो पाएंगे या उनको भी किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने कमेंट पे। तो भावेश कुमार ने कमेंट करा है पंकज थैंक्स भाई थैंक्स ब्रो। रॉफ ने कमेंट करा है ये कौन सी सीरीज़ हो रही है। भाई
भाई इस सीरीज का नाम है आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप, और इस सीरीज में टोटल 51 मैचेस खेले जाएंगे, और आज इस सीरीज के टोटल 5 मैचेस हैं। पहला मैच आपके सामने अभी चल रहा है, 3 मैचेस 3:30 बजे हैं और एक मैच रात को 9 बजे है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं योगनेश के कमेंट पे, उन्होंने कहा है ऑल आउट, भाई देखते हैं ऑल आउट हुई है या नहीं। अमीर ने कमेंट करा है भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, थैंक्स अमीर ब्रो इस चीज़ के लिए, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे और हौसला मिलते रहे। मलंग ने कमेंट करा है लव यू ब्रो, थैंक्स भाई मलंग। यहाँ पे रिकू पॉल ने कमेंट करा है 90 ऑल आउट, हाँ भाई ऑल आउट हो चुकी है बरमूडा की टीम, आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कि थोड़ा स्लो अपडेट आता रहता है यहाँ पर, क्योंकि जो गूगल के यूज़र हैं वो 1 मिनट का डिफरेंस देते हैं रियल मैच का और जो मैच का स्कोर कार्ड आपके सामने चल रहा है। तो यहाँ पे साहिल ने कमेंट करा है ट्रॉट कैसा बॉलर है, भाई ट्रॉट कह सकूँ तो मैं एक तरीके का बढ़िया बॉलर है ट्रॉट। ट्रॉट ज़्यादा विकेट तो नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर इस रन की बात करें तो वो अपने ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रति ओवर 4 या 5 रन से देते हैं, तो इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया है ट्रॉट की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले कमेंट पे, शुभम ने कमेंट करा है भाई वेयर आर यू फ्रॉम, भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ इंडिया से हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स चले गए, तो कुछ कमेंट्स स्किप हो गए, तो कोई भी बुरा मत मानना दोस्तों। तो यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है बरमूडा की पूरी टीम, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बरमूडा के जीतने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी दिक्कत के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगले कमेंट पे चलते हैं अपने। यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं 89 ऑल आउट, भाई शायद 89 पे ऑल आउट हो चुकी है, एक मिनट आपकी स्क्रीन पे अपडेट आ जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगले कमेंट पे चलते हैं। दीपुन दीप ने कमेंट करा है भाई आपका वॉइस मस्त है, थैंक्स ब्रो। यहाँ पे कमेंट करा है लॉन्ग ने हु टेक्स द लास्ट विकेट, भाई जो आखिरी विकेट ली है उनका नाम है नसीका पुकाना, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है इस बार, कहूँ तो इस टूर्नामेंट में ही काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है उन्होंने। देवेंद्र ने कमेंट करा है भाई बहुत बढ़िया कमेंट्री ब्रो, थैंक्स। यहाँ पे मनोरंजन ने कमेंट करा है यस। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि आखिरी विकेट किसने लिया, भाई आखिरी विकेट नोसाइना पुकाना ने ली है, इन्होंने अपने 3 ओवर में 18 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाली है। तो यहाँ पर काफ़ी अगला कमेंट है नयान का, जिन्होंने कमेंट करा है भाई कमेंट से ज़्यादा कमेंट्री पर ध्यान जी दिए, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कमेंट से ज़्यादा मुझे कमेंट्री पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन भाई मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ ताकि आप लोगों का और मेरा कनेक्शन बना रहे, ताकि आप लोगों को भी इन्जॉयमेंट हो और साथ ही में मेरे को भी इन्जॉय आए। तो आ जाते हैं वापस आज के मुकाबले पे। तो यहाँ पर हो चुका है 17 ओवर का मैच समाप्त, बरमूडा ने बनाए हैं 88 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और बात करें अगर हम बैट्समैन की, तो बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉडनी ट्रॉट, जिन्होंने 25 पे बनाए हैं 18 और डायरेक्ट ने 0 पे 0। हम बात करते हैं आज के ओवरऑल मैच के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया मैच हुआ है आज का, और यहाँ पे देखते हैं कि पीएनजी कैसा इस मुकाबले को अपने नाम कर पाती है या पीएनजी को जीतने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज अगर ये मैच पीएनजी को जीतना है तो जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं पीएनजी के उनको आज कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये मैच जीत सकती है पीएनजी। तो इसी के साथ हो चुका है आज का मैच समाप्त, बरमूडा ने बनाए हैं 88 रन फॉर ऑल आउट, यहाँ पे 70.2 ओवर का मैच में ही ख़त्म हो चुकी है बरमूडा की टीम। और यहाँ पे हम बात करते हैं गेंदबाजी की, तो नॉर्मान ने ली है आखिरी विकेट इस मैच की, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है नॉर्मान ने इस समय, और काफ़ी प्राउड होंगे वो अपने आप से, क्योंकि पहली मैच है इस सीरीज़ का और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी है उन्होंने। यहाँ पे अगला कमेंट आया है वीकू ने, भाई दिल्ली में कहाँ से हो, भाई मैं दिल्ली में GTB नगर पे रहता हूँ। एनिमेटेड वीडियोस ने कमेंट करा है यू आर ग्रेट भाई, थैंक्स ब्रो आप लोगों के सपोर्ट के लिए। माई लाइफ ने कमेंट करा है सर आप कहाँ से हो, भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ इंडिया में हूँ। तो यहाँ पे कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई लास्ट विकेट किसने लिया है, तो भाई लास्ट विकेट लिया है नॉर्मान ने, उन्होंने अपने ओवर में 13 रन दिए हैं और 3 विकेट निकाली है उन्होंने। और बात करें अगर हम करंट रन की, तो बरमूडा ऑल आउट हो चुकी है 89 पे, और यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी को बनाने हैं 90 रन ये मैच जीतने के लिए। तो देखते हैं क्या कितने ओवर्स के अंदर ही अंदर पपुआ न्यू गिनी बना लेती है 90 रन और अपने नाम करती है ये मैच। और आज का मैच पूरा डिपेंड होगा पपुआ न्यू गिनी के फर्स्ट 3 प्लेयर पे, अगर ये 3 प्लेयर आज के मैच में नहीं चले
तो पीएनजी की भी सिचुएशन सेम हो जाएगी जैसी बरमूडा की थी आज शुरुआत में। तो चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में वापस आ जाते हैं। टेक्नो राहुल ने कमेंट कराया है, भाई आप तो पानी अब तो पानी पी लो। हाँ भाई बस पानी पीने जा रहा हूँ, बस अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, एक बार मैं सबके कमेंट्स पे एक बार ध्यान दे देता हूँ। साहिल ने कमेंट करा है, के दुर्गा की बैटिंग कौन से नंबर पर आती है? भाई के दुर्गा की नंबर बैटिंग आती है चौथे नंबर पर, और शायद आज के मैच में वो थोड़ा जल्दी उतर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टारगेट है नहीं और वो एक तरीके से स्ट्राइक के साथ काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का मैच काफ़ी बढ़िया रहा है। इस समय आ चुका है इनिंग्स ब्रेक और मैं भी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि पिछले डेढ़ घंटे से मैं नॉनस्टॉप कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं पंद्रह मिनट बाद वापस विद लाइव कमेंट्री एंड लाइन बाय लाइन कमेंट्री। तो तब तक आप इंजॉय करिए कमेंट सेक्शन में और दोस्तों के साथ। धन्यवाद।